नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, और कहीं ना कहीं काम दिख भी रहा है। हम ये नहीं कहेंगे जहां पर हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की त्रुटियां या नाकामियां दिखाते हैं, वहीं पे हमारा कर्तव्य है कि जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अच्छा काम करे, उनकी कारकर्दगी भी दिखाना हमारा कर्तव्य है। इस समय हम बस स्टैंड के पास हैं, जहां पर आई लव जम्मू का ये जो आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले भी हमने ये जिस दिन इसका भी इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, तब भी हमने यहाँ पर आकर सेल्फी पॉइंट, यानी कि जम्मू का पहला जम्मू स्मार्ट सिटी, जम्मू की बात करें तो पहला सेल्फी पॉइंट, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और लोग यहाँ पर आकर आकर्षण का माध्यम था, यहाँ पर पिक्चर सेल्फीज क्लिक करते थे, हमने भी की थी। पर ये देखिए, ये जो सेल्फी पॉइंट आई लव को किस तरह से तोड़ा गया, इसको डैमेज किया गया। अगर वाकई जब हम घरों में होते, अपने घरों की चीज़ों को संभाल कर रखते, तो जम्मू भी हमारा घर है, ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, आप देखिए, दिल को पूरी तरह से ये जो आई लव जम्मू, इसको तोड़ा गया है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर उन युवकों की जो मोटर बाइक थी खड़ी, और साथ ही साथ उन लोगों ने किस तरह से लाते मार मार कर, यानी कि इसको हिट कर करके तोड़ा था, वो तस्वीरें भी, वो वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे, ये बड़ी ही एक शर्मनाक हरकत है। जहाँ हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या थी, ये तो अब पुलिस अच्छे तरीके से उनसे जानेगी भी, और ये चीज़ उसकी स्पष्टीकरण भी होगा कि आखिर क्या वजह थी। उन्होंने जम्मू का जो पहला सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, और ये इस सेल्फी पॉइंट को तोड़ने का, इसको नुकसान पहुंचाने का क्या कर्तव्य है उनका, क्या यानी कि क्या किस मानसिकता के साथ आए थे। अब बताना चाहेंगे आपको कि वो कौन लोग थे, वो भी अपनी जनता के समक्ष हम रखना चाहेंगे। ये वो लोग थे कि पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 7 लोग हैं, और मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा ये क्या क्या किस कारण से, क्या मानसिकता लेकर यहाँ पर आए थे। जहाँ पर एक तरफ कोशिश की जा रही है कि जम्मू को खूबसूरत बनाने के लिए, और यही इनासर जो किस तरह के शरारती तत्व जो किस तरह से जम्मू की खूबसूरती को तोड़ने की, उसको डैमेज करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई ज़रूर होगी। और बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं जो कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया, और उसी के चलते बस स्टैंड जो पुलिस है बीसी रोड में, वहाँ पर उन्होंने जो एफआईआर दर्ज हुई थी 77/2020 अंडर सेक्शन 434/427/IPC सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन सेट इनटू मोशन, उसके तहत। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि जो कि SHO बस स्टैंड है, उन्होंने काफ़ी सतर्कता बताई इसे, और CCTV फुटेज के माध्यम से जो सामने निकल कर आए हैं, जिन लोगों को हिरासत में लिया, वो भी बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चनिंग की गई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब उनको डिटेन किया गया, उसके द्वारा जिनको उन्होंने नाम जो डिस्क्लोज किए, जिसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, जिनको हिरासत में लिया गया था, निखिल गिल, सन ऑफ मंगा गिल, रेजिडेंस ऑफ बख्शीनगर, उन्होंने फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके द्वारा उन्होंने क्वेश्चन की गई, तो उन्होंने इन लोगों के नाम जो कि बताए, और पहला नाम है गोल्डी, एज 23 ईयर्स, वर्किंग एट रूपनगर, क्रिस्टोफर सन ऑफ लेजर गिल, एज 22 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर। तीसरा बताएंगे हेवन, सन ऑफ नरेश, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर, एज 21 ईयर्स। चौथा विनय, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर जम्मू, गैब्रियल, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर, शुभम, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर। ये सारे जो हैं, इनकी फिलहाल जो कि अरेस्ट हो चुकी है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ SP सिटी श्री मैडम जो कि मोहिता शर्मा IPS, यानी कि ये वो 7 लोगों के नाम थे जिसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने इन लोगों के, इन 6 और व्यक्तियों के नाम, युवाओं के नाम डिस्क्लोज किए थे, जो इस समय यहाँ पर आए थे और इसी फिराक में थे कि कब इसको डैमेज किया जाए। और ये कहेंगे कि CCTV फुटेज का होना, CCTV फुटेज मिलना एक बहुत बड़ा यानी सबूत के तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी CCTV फुटेज में, जो ये चीज़ें सामने आई, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं स्मार्ट जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की, सिर्फ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दायित्व नहीं है, ये दायित्व है हर एक जम्मू वासी का, चाहे वो कश्मीर के रहने वाले हों, वो कश्मीर को अपना घर समझे, और जम्मू के लोग जम्मू को अपना घर समझकर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सिटीज़न होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, कि हम जो
हमारी जो जम्मू की खूबसूरती को बढ़ाने में जो चीज़ें आगे ला रहे हैं, जो जम्मू म्यूनसिपल पल कॉरपोरेशन हमारा प्रशासन जो कि काम कर रहा अग्रेसर है, हमें भी उनका उनमें योगदान देना चाहिए, ना कि इस तरह से अपने जम्मू को नाम खराब करने की कोशिश की जाए। अरे घर की चीज़ों को ही अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे तो घर को किस तरह से हम सजाएं संवारेंगे। तो फिलहाल बताना चाहिए कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा, वो क्या कहते हैं, किस मानसिकता के साथ आएंगे, जो भी हमारे पास जानकारी आएंगी हम वो भी इस जानकारी को डिस्क्लोज करेंगे अपने व्यूवर्स के समक्ष। फिलहाल कहेंगे कि जम्मू के जो सेल्फी पॉइंट था पहला, आई लव जम्मू, वाकई हम भी कहते हैं वी लव जम्मू, वी लव अवर कंट्री, और हम खुशकिस्मत हैं, हम जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदे हैं। और आप लोगों को भी इस चीज़ का अनुमान हो, जो लोग ये मानसिकता रखते हैं अरे तोड़ने से क्या होगा, कि आप लोग खुद ही अपने घर को खराब कर रहे हैं, अपनी खुद ही अपनी इमेज को खराब कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना करिए। अगर आपको भी आगे पीछे आपको इस तरह के कुत्ते लगते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। फिलहाल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब ये बात की बात रहेगी वो लोग क्या कहते हैं, किस मानसिकता के साथ उन्होंने इस आई लव जम्मू को तोड़ा। फिलहाल कार्रवाई तो होगी। अभी तक यही अपडेट था, आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। छोटी रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, जय हिंद जय भारत।